MCX in association with ISCO and SEBI is celebrating the second annual World Investor Week, and as part of it is holding several investor education and investor awareness campaigns across the country. Money Control is proud to associate with MCX IPF Commodity Ki Baatein, a show which seeks to improve retail investor participation in commodities and encourage awareness about it. I would like to thank all the panelists as well as the audience who took precious time out to be here with us today. Commodity Ki Baatein ek investor forum hai jahan pe mujhe Surat se start hua hai. काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सूरत ने काफी अच्छे से वेलकम किया है। MCX IPF ट्रस्ट का जो मेन उद्देश्य है, इन्वेस्टर तक सबसे ज्यादा से ज्यादा माहिती पहुंचनी चाहिए। जो आज की जो इवेंट हुई है वो सही में फ्रूटफुल है, स्पेशली यंग लोगों को जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग समझना है उनके लिए बहुत फ्रूटफुल है। जैसे की इधर बताया गया की थोड़ा पार्टिसिपेशन इसमें करके अपनी जो इन्वेस्टमेंट का जो लॉस है उसको थोड़ा रिकवर कर सकते हैं या हेज कर सकते हैं। ग्लोबल में कमोडिटी का बड़ा बिजनेस है, इंडिया में उतना अवेयरनेस कम होने की वजह से उतना नहीं हो पा रहा है, जबकि इंडिया प्रिंसिपल प्रोड्यूसर है कमोडिटी का। सबसे पहले मैं मनी कंट्रोल और MCX को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने सुंदर सेमिनार का आयोजन किया। आज सेमिनार में मुझे काफ़ी बातों की जानकारी मिली, जैसे ऑप्शंस वगैरह शुरू हो गए हैं तो ऑप्शन में काम कर सकते हैं। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू मनी कंट्रोल जिनके थ्रू हमको ये मार्गदर्शन मिला है। मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने का हमारा जो एजेंडा है हम लोग उसको फुलफिल कर सकते हैं। मुझे कमोडिटीज के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, तो मैं पूरी जो टीम है MCX की तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। कमोडिटी बातें जो सेगमेंट है मनी कंट्रोल और MCX IPF कुछ 6 जगहों पर होने वाला है। एक प्रयास रूपे MCX IPF द्वारा मनी कंट्रोल साथ कमोडिटी की बातें બીજા સેન્ટરમાં ભી આવશે, તો ત્યાંના લોકો પણ આને જરૂરથી જરૂર એટેન્ડ કરી અને પોતાનું નોલેજ વધારે.